सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज की जो वीडियो आप देख सकते हो मेरे पीछे, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। तो आज जो वीडियो है उसमें एक ऑटोमोटिव से रिलेटेड वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहा। ये मेरे दोस्त के साथ आया हुआ था मैं यहाँ मणिपाल यूनिवर्सिटी, उसको थोड़ा सा काम था तो मैंने सोचा आपको भी साथ दिखा दूँ। व्लॉग बनाने का ऐसा ट्राई कर रहा हूँ तो मैं आपको मिलवाता हूँ मैं किसके साथ आया हूँ। ये मिल गया प्रदीप चौधरी से ये मेरा दोस्त है, आए हुए थे यहाँ, इसको थोड़ा काम था यहाँ पर, तो यहाँ से सोच रहे हैं कि सांबर लेक वगैरह जाएं, तो वहाँ पे भी मैं कंटिन्यू करूँगा। पर पहले आपको कॉलेज दिखा देता हूँ, जयपुर से थोड़ा सा दूर है ये मेरा कॉलेज है, ये हॉस्टल है साइड। तो चलो अभी काम तो हो गया, अब एक बार वह सांबर लेक के साइड जा रहे हैं और फिर बाकी आपको वहाँ जाके बात करते हैं। अजमेर रोड पे, जो ये जो सांबर लेक है ये अपने किशनगढ़ से पहले आती है, मतलब जो किशनगढ़ अजमेर वाला जो हाईवे उसी पे आता है। तो दुदू आगे से लेना होता है ना, हाँ दुदू के आगे से राइट लेना है और फिर हम उधर पहुँच जाएंगे। थोड़ी भूख भूख लग रही है, देखते हैं मैगडी रुकी, भूख लगी है ना, मैगडी आता है एक, इधर मैगडी आता है एक, किशनगढ़ से पहले मैगडी आता है, तो इस मैगडी पे रुकने का सोच रहे हैं। एक दो बर्गर वगैरह खा लेते हैं, बाकी फिर आगे चलते हैं। मौसम भी और अच्छा होता जा रहा है, आपको दिखाता हूँ। हाँ तो देखो मैगडी आने वाला है, आपको दिखा देता हूँ। देखो पूरा मैगडी इतना अंदर उसके बनाया हुआ है, पता भी नहीं चले लोगों को कि मैगडी है। तो जो लोग जयपुर के लोकल हैं वो इनको ध्यान है इसका। यार सारे तो खुल गए, पता नहीं ये वाला क्यों बंद कर रखा है इन्हें, जबकि कोई है भी अंदर। फिर अब तो फिर आगे चलना पड़ेगा, अब तो अब या तो फिर किशनगढ़ वाले पे देखें, है ना। फिर पहले अपन एक काम करते हैं, वहाँ चल लेते हैं, पहले सांबर लेक देखते हैं, फिर अगर किशनगढ़ की साइड गए, डंपिंग यार्ड भी गए अगर, तो वहाँ चल लेंगे। प्लान फ्लॉप हो गया। ये जो देखा आपने अभी, ये जो बीचों बीच गया डिवाइडर का, ये पता क्या, ये जब दिल्ली में जब अकबर था तो वो अजमेर शरीफ आया था। अगर आपको अजमेर शरीफ के बारे में पता तो वो पैदल आया था इधर अपने बच्चे के लिए मांगने के लिए। तो जब वो आया था तो हर एक या 1.5 किलोमीटर पे ये एक स्टैचू बन या ये एक डूम सा बनाया था, जिसको ये बता रहा था कि दिल्ली से यहाँ तक ये आए थे इस वे से। तो ये जगह जगह आते हैं इस रास्ते में, तो 2-3 तो यहाँ दिखते हैं और आपको दिल्ली के रास्ते में भी बीचों बीच आपको ये मिल जाते हैं। फिर को बताता ब्रो ये, ये वाला नहीं है, हाँ ये वाला टर्न है, यहाँ से राइट ले ले। तो ये दुदू से पहले वाला राइट लेना, अपने कहाँ क्या क्रॉस किया था अपन ने, पालू के क्रॉस करके एक आया था। तो दुदू से भी जाने की ऑप्शन है, पर ये छोटा पड़ता है रास्ता, मतलब गांव के अंदर से जाता है वो, थोड़ा स्ट्रेट है, थोड़ा और 10-1 किलोमीटर आगे जाके है, तो जितना बच जाए उसमें क्या दिक्कत है। तो बस अब यहाँ से कितना दूर बता रहा है, इधर यहाँ से 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है, फिर बस अब बाकी वहीं चल के बताता हूँ। तो पालू के बाद टर्न लेने के बाद देखो 34 किलोमीटर बता रहा है, 34 किलोमीटर जाने के लिए ये 53 मिनट्स बता रहा है, शायद गाँव का रास्ता है से लेता ज़्यादा बता रहा है। देखो इस टाइप का कुछ रास्ता है, मौसम भी थोड़ा और ठीक होता जा रहा है, यहाँ पर गाँव के रास्ते से आकर ज़्यादा टाइम लग रहा है अपने को देख, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलेगा मतलब गाँव के लोग चलो ठीक है फिर आप देखते हैं एक बार, फिर उस साइड में पहुँचने को फिर बाकी कंटिन्यू करता हूँ, सड़क भी बहुत खराब है।
ले 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 आराम से ले ले। इस साइड लगना, इस साइड। हाँ सीधी। तो पहुंच गए देखो सांबर लेक, एशिया की सबसे बड़ी सॉल्ट लेक। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, देखो व्यू। बारिश के बादल ऐसे हो रखे हैं तो देखो कितना सही लग रहा है पीछे बैकग्राउंड को, है ना ब्रो? सही है ना? एकदम मस्त, एकदम सही, एकदम अच्छा मौसम हो रखा है। ये तो बारिश की वजह से पानी भर गया इधर, है ना? नहीं तो वैसे तो गर्मियों में तो एकदम सूखी रहती है। तो ये है सांबर लेक, एशिया की सबसे बड़ी सॉल्ट लेक है ये। सबसे बड़ी है ना? चलो टाइम लैप्स में जाओ। इतनी दूर आने के बाद भी देखो बारिश स्टार्ट हो गई, सारा फोटोज का प्लान कैंसिल। देखो इतनी दूर आए हैं और गाड़ी में बैठे हैं ऐसे मौसम में, देखो क्या कर सकते हैं। रुक जाए अगर टाइमली तो फोटोज खिंचवा ही लेंगे, है ना? चलो तब तक वेट कर सकते हैं और तो कुछ नहीं। सीधा देखो यहाँ पे कट हो गया। एंजॉय तो कहाँ किया भाई। देखो टाइम, देखो 8:45 टाइम हो गया है। इतनी बारिश, वहाँ पे गए इतने कपड़े वपड़े लेके गए थे, सारा कैमरा गेयर ये वो के फोटोज खिंचाएंगे, और एक बारिश ने सारा प्लान ही खराब कर दिया। अब जयपुर पहुँच रहे हैं, देखो टोल पे हैं, जयपुर वाले टोल पे 80 किलोमीटर आनी, कितने 2 घंटे लग गए। टूटी सड़क और खूब सारी बारिश और खूब सारा ट्रैफिक। तो बस ये पहले ब्लॉग की यही थी, जो भी पहला ब्लॉग बना। बस यही है, कुछ आप कहना चाहोगे सर? नहीं नहीं बस, बाकी तो टोल पे भीड़ हो रखी है मस्त थोड़ी, बस अब शक्ति बची नहीं और कुछ बनाने के लिए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो क्या क्या करना होता है? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल सही, कमेंट भी कर देना अगर ऐसी वीडियो और अगर सही लगे तो बताना, और बस यही है ना। चलो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड सी इन द नेक्स्ट वन।